धारा 360 को स्वागत करुछी मुस्नेगा नजर पकाइबा सही गुरुत्वपूर्ण खबर उपर कोलकाता रे हाई ड्रामा देखिवा को मिलिछि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को नै पश्चिम बंगर ममता सरकार एवं सीबीआई मध्ये टडाउटरा रोज वैली एवं सारदा चिटफंड दुर्नीति मामला रे राजीव कुमार को पचराउचरा करबा को सीबीआई चाहुछि से हाजर न हेबारु आज सीबीआई रे एक टीम कोलकाता स्थित राजीव कुमार को वासभवन को जाइथिले किंतु सेठारे थिबा कोलकाता पुलिस सीबीआई टीम को अटकाइबारु नाटकीय परिस्थिति सृष्टि होईछि सीबीआई टीम रो पांच सदस्यों को कोलकाता रो विधाननगर पुलिस जोर जबरदस्त थाना को नै अटक रखिबा परे छाड़ी दिया जायथिला राजीव कुमार को विश्वर श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी भाबरे कही समर्थन करथिबा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं डीजीपी मध्य परे कोलकाता पुलिस कमिश्नर को वासभवन रे पहुंची छंती रोज वैली एवं सारदा चिटफंड दुर्नीति मामला रे जांच पाई गठित एसआईटी रो नेतृत्व नेउछंती राजीव कुमार किंतु से किछि गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को घंटो घोडाउथिबा अभिजोग होईछि आ एथि पई तांको पचराउचरा पई सीबीआई समन करथिला किंतु से हाजर होइ नथिबारो तांको वासभवन रे पहुंचीथिला सीबीआई टीम तबे सीबीआई रो ई पदक्षेप राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित बोली ममता कहिछंती सबडे घटना रे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गी अभियोग स्वाधीनता परे प्रथम थर पई एभली घटिला पश्चिमबंग रे गणतंत्र रो अंत घटिछि बोली से कहिछंती पश्चिमबंग रो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एही अभियोग रे प्रतिक्रिया भी रखिछंती बीजेपी राजनैतिक उद्देश्य रे सीबीआई को व्यवहार करूछि बल प्रयोग करी राज्य को भांगिबा को चाहुछि केन्द्र पुलिस से पालटा अभियोग करिछंती संपूर्ण घटना रे केन्द्र सरकार को दायी करी धारणा रे बसिछंती ममता बनर्जी ताजा चित्र वर्तमान आपण देखुछंती धारणा रे बसिछंती ममता बनर्जी सीबीआई पहुंचिथिला राजीव कुमार को समन करिबा पई किंतु अटकाइथिला कोलकाता पुलिस वर्तमान नाटकीय परिस्थिति देखिबा को मिलिछि कोलकाता रे हाई ड्रामा स्थिति एवं वर्तमान सीआरपीएफ मध्य परिस्थिति रो मुकाबला करिबा पई कोनोसे अप्रीतिकर परिस्थिति को अड़ाइबा पई पहुंचिछंती घटनास्थल रे सुरक्षा कर्मी मध्य नियोजित होइछंती आमे आपनकु ताजा चित्र देखाउछु कोलकाता रे वर्तमान धारणा रे बसिछंती ममता बनर्जी संपूर्ण घटना रे केन्द्र सरकार को दायी करी धारणा रे बसिछंती ममता बनर्जी निश्चित रूप से ये सारा देश देख रहा है कि इस यहाँ पर प्रजातंत्र बिल्कुल भी नहीं है। हम ममता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता चल रही है हम उसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, बंगाल को बचाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। ममता जी को न सुप्रीम कोर्ट की चिंता, न सीबीआई की चिंता, न केंद्र सरकार की चिंता, न फेडरल सिस्टम की चिंता, न प्रजातंत्र की चिंता, ये सारी दुनिया देख रही है। आजादी के बाद पहले ऐसी घटना हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं और आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से भी कि वे अधिकारी जो निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहते हैं उन्हें संरक्षण देने का प्रयास। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो पांडा मिले बांग्ला के जिभावे अत्याचार करछे, ह्यूमिलेट करछे सारा भारतवर्षेर बुके एवं आमि दीर्घदिन स्ट्रगल करार लोक आमि इवन एज ए उमेन पार्लामेंटेरियन আমি প্রত্যেকের কাছে যথেষ্ট রেসপেক্ট পেয়েছি। আমি কখনো ভাবিনি যে আমি একজন মহিলা বা একজন পুরুষ, কিন্তু যে কায়দায় গিয়ে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ বাংলায় কু করার চেষ্টা করছে, তবে তাজা চিত্র আমি আপনাদের দেখাউছু মমতা ব্যানার্জি বর্তমান ধারণার বসিছন্তি এবং কারণ হেউছি যে कोलकाता रा पुलिस कमिश्नर जे अछंती राजीव कुमार तांकु समन करिवा को सीबीआई पहुंचतला कोलकाता रे किंतु सेठारे तांकु अटका जायतिला देशर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था को अटका जायतिला पुलिस कोलकाता पुलिस तांकु अटकायतिला एवं एथिरे ममतांकर अभियोग रहिछि जे केन्द्र सरकारकर केन्द्रर एटा चाल बोलिका एवं एहाकु नै वर्तमान ममता बनर्जी धारणा रे बसिछंती। चित्र आपण सीधासरख देखुछंती कोलकाता रा हाई ड्रामा रा किभळी भाबरे वर्तमान चित्र रहिछि एवं वर्तमान सेठारे सीआरपीएफ जवान को मध्य नियोजित करा जाय छी कोनो सी अप्रीतिकर परिस्थिति जेंति न उठु ताकू नियंत्रण रे करबा पई। तबे बीजेपी तृणमूल कांग्रेस मुहामुही पश्चिमबंग रे रैली करबा को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुमति मिलला नाही, फरे फोन जरिया रे रैली को संबोधित करिछंती योगी आदित्यनाथ। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस मुख्य
ममता बनर्जी खूब समालोचना करिसंती जोगी से ममता उपरे अभियोग आनी कहिसंती जे ममता क्षमतार अपव्यवहार करिसंती सेबे जोगी एपरी फोन जरिया राली को संबोधन करने ने पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीव्र समालोचना करिसंती पूर्व सूचना दे नथिबारु रैली अनुमति मिल नथिबा सफे देछंती ममता तेरे क्यों परिस्थिति रे एवं काहिंकि योगी आदित्यनाथ एपरी कले ताहाकु नै एबे राजनीति महल रे होइचै सृष्टि होइछि। हाल ही में वेस्ट बंगाल जाकर के लोकतंत्र के नाम पर टीएमसी के मंच पर थे उन सबको भी स्वयं अपने आंचल में झांकना चाहिए। ये सरकार जो लगातार वहां पर जनभावनाओं को दबा रही है। ममता सरकार जितना अन्याय करेगी और जितनी रोकने की कोशिश करेगी उतने ही जल्दी उस सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और लोकसभा में वो बुरी तरह से हारेंगे। परवर्ती खबर को रविवार बिहार पाई थिला अशुभ दिन राज्यर लोके सोइथिबा बेले आसिथिला एक अशुभ खबर भोर प्रया चारिटा समय रे हाजीपुर ठारे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन लाइनच्युत होइथिबारु सात जन यात्रींकर मृत्यु होइछि 36 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। रेलवे पक्षरु दुर्घटनार जांच पाई टीम गठन करा जायछि। बिहार हाजीपुर रे रेल दुर्घटना मोहनार सहदेई स्टेशन मध्यरे ट्रेन लाइन च्युत सीमांचल एक्सप्रेस रे 11 टी बगी लाइन च्युत बिहार रा हाजीपुर रे बड़ धरणर रेल दुर्घटना जोगबनी रु नुआदिल्ली जाउतबा आनंद बिहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस रो 11 टी बगी लाइन च्युत होईछि। दुर्घटना हाजीपुर बछवाड़ा रेल डिविजन रो मोहनार सहदेई स्टेशन मध्यरे होईथिला एथिरे सात जनक मृत्यु होइथिबा बेले अनेक आहत होइछन्ति आहतक मध्यरे अनेकक अवस्था गुरुतर रहिछे। आज सवेरे लगभग 4 बजे सीमांचल एक्सप्रेस शहदाई बुजुर्ग के करीब डिरेल हो गई है। 11 कोचेज उसकी डिरेल हुई हैं अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है। बड़ी ही दुखद घटना है। इस डिरेलमेंट के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना परे रेलवाई और राज्य प्रशासन पक्षरु तुरंत उद्धार और रिलीफ कार्य आरंभ होइथिला। बगी मध्यरे फसी रहिथिबा यात्रींकु तुरंत बाहर करा जाई हॉस्पिटल पठा जाइथिला। जो भी सर्च करना पहले सर्च किया एक दो लोग थे उसमें जिनमें की कुछ क्रिटिकल एक थे डॉक्टर सुमन जिनका नाम था जिनका राइट लेग जो है थाई के पास से वो एक आयरन गार्डर से दबा हुआ था वो पूरी तरह से क्रश हो गया था तो हम लोगों ने उनको गार्डर को काट के फिर उनको निकाला और फिर उनको इवैक्यूएट कर दिया है। लेकिन अभी डिपेंड है कि अब अंदर में तो हमने तीनों बोगी देख लिया अंदर कोई नहीं। हाँ डॉग स्क्वाड भी हमारी 3 जो डॉग हैं कनाइन सर्च भी हमने कर लिया उससे भी रूल आउट कर लिया। रेलवे GM LC त्रिवेदी और विपर्जय परिचालना प्रधान सचिव घटना स्थल रे पहुंचे उद्धार कार्य तदारक करथिले। अभी हम लोगों की जो प्राथमिकता है जो घायल लोग थे उन सभी लोगों को स्थानीय उपचार के लिए भेज दिया गया है। तो अभी हमारी जो प्राथमिकता है जो पैसेंजर्स हैं उनको भेजने का है तो रेलवे के द्वारा एक ट्रेन की व्यवस्था भी की गई है। रेल लाइन भांगी थिबारु ट्रेन लाइन च्युत हेला बोली कहा जाउछे किंतु प्रकृत कारण जांच रिपोर्ट आसीबा परे जणा पड़िबो। पूर्वांचल रेलवे सेफ्टी कमिश्नर दुर्घटना कारण रो जांच करिबे। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल श्री लतीफ खान की अध्यक्षता में एक कमिटी की घोषणा की गई है। दुर्घटना रे मृत यात्री का परिवार वर्ग को रेलवे पक्षरु 5 लाख टंका लेखाए अनुकंपा मूलक सहायता घोषणा कर गुरुतर आहतंगो 100,000 और सामान्य आहतंगो 50,000 टंकार क्षतिपूरण घोषणा करा जायछे। विपर्य परिचालना विभाग पक्षरु मृतकंक परिवार वर्गंको 4 लाख टंका लेखा अनुकंपा मूलक सहायता मिलिबो। ब्यूरो रिपोर्ट News18 ओडिया। पुणि थरे कृषि एवं कृषकंकु नै जातीय राजनीति सरकार कृषकंक पाई केंद्र सरकार बजेट रे व्यवस्था कला परे एहाकु नै राजनीतिक बयानबाजी जोर धरिछि। कृषक मानंक पाई दैनिक 17 टंका देबाकु बजेट घोषणा परे विरोधी कांग्रेस मोदी सरकार को टाही टापरा करिछि। हेले प्रधानमंत्री मोदी एही व्यवस्था सपक्षरे दृढ़ जुक्ति बाढ़िछन्ति आ कहिछन्ति कांग्रेस नेतृत्वाधीन पूर्व सरकार कृषक कल्याण नारे
केवल दलाल मानकर पकेट गरम करिछि। एणे दैनिक 17 टंका सहायता घोषणा करी कृषकों को सरकार उपहास करिछन्ति बोली राहुल कहछन्। आसंता साधारण निर्वाचन रे कांग्रेस और बीजेपी पाई जे कृषि और कृषक प्रमुख प्रसंग रहिबो एकथा अछपा नाही। उभय दल कृषकों को आखि आगरे रखी रणनीति प्रस्तुत करिवारे व्यस्त आउ एही प्रसंग रे उभय उभय को आक्रमण करिबा भी जारी रखिछन्ती। जामुरे एक साधारण सभा रे उद्बोधन दे प्रधानमंत्री एथर बजेट रे कृषक मानक पई होइथिबा व्यवस्थार यथार्थता प्रतिपादन करिबा सह कांग्रेस को कड़ा समालोचना करिछन्ती। कांग्रेस केवल कृषि ऋण छाड़ ना रे दलाल मानक पॉकेट गरम करछी बोली कहिछन्ती मोदी। कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, सत्ता पे बैठ गए, आने के बाद किया क्या? 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। धोखा किया किसानों के साथ। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे जो खजाना खाली कर गया? एपटे बिहार राजधानी पाटना रे कांग्रेस रो जन आकांक्षा रैली रे राहुल गांधी कृषकों प्रसंग रे मोदी सरकार को ऊपर पालटा आक्रमण करिसेंती। कहिसेंती कृषकों को उपहास करुछेंती मोदी सरकार। कृषकों परिवार को मात्र 3.5 टंका दिया जाए पार्लियामेंट रे ताली बजा जाउछि बोली ताच्छल्य करिसेंती राहुल। कृषकों दैनिक 17 टंका प्रदान लागि बजेट व्यवस्था को मध्य कटाक्ष करिसेंती कांग्रेस सभापति। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं, शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति। कृषि ऋण छाड़ करिबार प्रतिश्रुति देई कांग्रेस मध्यप्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्षमता दखल करी। हेले बीजेपी कहुछी जे ऋण छाड़ प्रतिश्रुति कांग्रेस रे एक भेलिके मात्र। एबे मोदी सरकार कृषकों पर बजेट रे स्वतंत्र व्यवस्था कला परे एही प्रसंग रे राजनीति आहुरी सरगरम होई। ब्यूरो रिपोर्ट News18 ओडिया। पुरी रे पुणी गर्जिले शाह, ओडिया जाणि नथिबा कहि मुख्यमंत्री को कड़ा समालोचना करिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। पुरी जनजाति महाअधिवेशन रे द्वितीय दिन रे जोगदेई राज्य सरकार को टार्गेट करिछंती शाह। बीजेडी को कांग्रेस रो बी टीम कहिबा सह पुणी पोड़ा ट्रांसफर्मर कथा उठाई ओपाड़ी फोपाड़ी देबाकु आह्वान देछंती। राज्य बाहरे थिबा ओडियांकु आयुष्मान योजना लाभ मिलुनी, एथिपाई आयुष्मान योजना को ग्रहण करने को नवीन को पुणी अनुरोध करिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। दानमाझी कांधरे शव बोहिबा घटना रे नवीन को करिछंती समालोचना, यासह जगन्नाथों रत्न भंडारर सुरक्षा रे सरकार विफल होइथिबा से कहिछंती। कृषकों धानर मूल्य मिलुनी, 42% लोकों पीवा पानी मिलुना, राज्य में बीजेडी और देश में मेंट सरकार विकास करिपारिव नाही, तेणु ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन पई जनजाति को आह्वान देछंती अमित शाह। महान उत्कल प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों की हालत दाना मांझी की स्थिति से दुनिया के सामने स्पष्ट हो। शर्मानी चाहिए मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी भाई को अपनी पत्नी का सब कंधे पर रखकर घर पर जाना पड़ता है तो उसको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ओडिशा के लोग कितना भी चिल्लाते हैं, नवीन बापू स्थित प्रज्ञ रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई, देखने में तो भले भाले लगते हैं। उसने कहा कि ओडिया भाषा ही उनको समझ में नहीं आती है और ये ओडिया में बोलते हैं। इसी तरह से मोदी जी बहुत विकास की योजनाएं ओडिशा भेजते हैं, मगर भुवनेश्वर में बीजेडी सरकार का ट्रांसफॉर्मर जल गया है, जल गया है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई, ये बीजेडी सरकार को, नवीन बाबू सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए।
ये नवीन बाबू की जो पार्टी है कांग्रेस की बी टीम है, या तो कांग्रेस बी टीम है या तो वो बी टीम है। एक सिक्के की दो बाजू है, तो विकास तो ये भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दो, हम ओडिशा को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाकर देंगे। आपने 10 साल में 57,000 करोड़ रुपया दिया, 10 साल में हम 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने वाले हैं, 7.5 लाख करोड़। ये योजना राहुल बाबा को समझ नहीं आती है, वो किसानी की बात करते उनको ये भी मालूम नहीं है कि रवि का फसल कौन सा है और खरीफ का फसल कौन सा है, वो भी मालूम नहीं। सेटा पुरी रे अनुष्ठित बीजेपी रो राष्ट्रीय जनजाति महाअधिवेशन रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उद्बोधन कहिछन्ती, राज्य सरकार को जोगु आदिवासी सबुठु बेसी क्षतिग्रस्त होइछन्ती, आदिवासी को हत्या करी शिल्प बसाउछन्ती राज्य सरकार, आदिवासी को पाई केंद्र देउथिबा अर्थ खर्च होइ पारुनी, राज्य सरकार स्थाणु अपारघ मिछुआ एवं संवेदनहीन, ओडिसा रे आदिवासी माने परिवर्तन रो नेतृत्व नेबे बोली धर्मेंद्र कहिछन्ती। सरकार चली ये सरकार ओडिशार जदि कहार सबुठ अधिका क्षति करी थाए ताहले ओडिशार आदिवासी भाई भोनी मानकर क्षति करी, ये आदिवासी जनता कलिंग नगर गुलिकांड को भूली नहीं, फुलवाणी गुमडु मुहारे निरीह लोक मानक आदिवासी दलित लोक मानक कौ कारण हत्या करागला। एक अपारग स्थाणु दुर्नीतिग्रस्त मिछ कहुवा संवेदनहीन सरकार आज ये शासन में बसी, ये शासन को ये सरकार को बदलेवार समय आसी। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह पोड़ा ट्रांसफर्मर प्रसंगे स्थानित जवाब देखते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछन्ती, 2019 निर्वाचन रे फलाफल को अपेक्षा कर, फलाफल ही कहिबो किए पोड़ा ट्रांसफर्मर, जनता काहाकु ओपाड़ी फिंगिबे, पुणी कांग्रेस एवं बीजेपी टू समद्रोता कथा दोहराइछन्ती मुख्यमंत्री। लेट्स पुट इट दिस वे, वी शैल अवेट द रिजल्ट्स ऑफ द 2019 इलेक्शंस, दे विल डिसाइड व्हिच गवर्नमेंट विल बी थ्रोन अवे एंड व्हिच गवर्नमेंट will stay. I understand, he said, that my party is a fuse transformer, my government. We will wait and see who is the fuse transformer and who is the transformer of Odisha. Sir, interestingly, while Rahul Gandhi here says BJD is the B team of BJP, Amit Shah today said BJD is B team of Congress. They're free to say what they like. We are an A team on our own, equidistant from the BJP and the Congress. समस्त रचिए भारत 360 को एट्रोकिबा आधे खबर पाए लगन कर दो news18odia.com। नमस्कार।